जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ी सी कढ़ाई मैंने रखी है और उसको मैं अच्छे से चमका रहा हूं। तो मैं ये क्यों चमका रहा हूं, मैंने आपसे वादा किया था जब मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे कि मैं आपको तंगाड़ बना के दिखाऊंगा, जो हमने उसमें चीनी डाली थी, मतलब जो खांड बोलते हैं जिसको, खांड वो कैसे बनाते हैं। और आपके बहुत सारे कमेंट आए थे और मैं थोड़ा सा देर हो गया बनाने के लिए, तो आज मैं फाइनली बना रहा हूं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई लेना है, बढ़िया से साफ कर लेना है, लोहे की होना चाहिए या फिर स्टील का बर्तन होना चाहिए, एल्यूमिनियम में ना बनाए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, कढ़ाई साफ करने के बाद आपने इसमें डालना है ये चीनी यानी के सुगर, और इसका वजन है 5 किलो। मैंने वजन करके चीनी लिए 5 किलो। तो आपने 5 किलो चीनी डालने के बाद क्या करना है, इसमें डालना है पानी, कितना, चीनी से आधा। मतलब बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको रेसिपी बताता हूं ताकि आप आसानी से बना पाए। चीनी से आधा पानी डालना है आपने, उसके बाद ऐसा एक पलटा इसको चला दिया, चलाने के बाद आपने गैस करना है चालू। गैस चालू करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे चलाते रहना है और पकाना है। पकाने के बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा इसे कैसे तैयार करना है। जब आपकी चीनी गल जाएगी, जैसे कि अभी हमारी गल चुकी है, मतलब उबले ना और चीनी गल जाए, तब आपने क्या करना है, उबाल आने से पहले इसमें डालना है दूध 100 ग्राम। अब दूध से क्या होगा, इसमें जितना भी कचरा है ना वो सब ऊपर आ जाएगा और एकदम वाइटनेस आ जाएगी। तो दूध डाल के फिर आपने पकाना है, और ये झाग कैसे निकालना है बीच बीच में मैं आपको दिखाता भी रहूंगा। जब ऐसे उबाल आने लगेगा तब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी डालना है। पानी क्यों डालना है, ताकि उबाल ना आए, उबाल नहीं आएगा उससे क्या होगा, ये सारा कचरा एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा और एकदम हमने इसको साफ करना है, इसके लिए ऐसा करना है। और गैस आपने बहुत फास्ट नहीं रखनी है और इसको चलाना भी नहीं है दूध डालने के बाद, मतलब जब उबलने लगे तो थोड़ा पानी डाल दें, ऐसे शांत कर दें इसको। उसके बाद आपने लेना है एक झारा ऐसा, और इस तरीके से देखिए ऐसे कचरा निकाल लेना है, ये झार देखें आप, ऐसे निकाल के और ऐसे बॉल में रख दें। ये इसका प्रोसीजर है साफ करने का। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे साफ करना है। तो इसी तरीके से आपने साफ कर लेना, देखिए अब मैं इसी तरीके से साफ करूंगा। अब आपको एक बात और बता दूं, अब आपने थोड़ी गैस फास्ट करनी है, फिर साइड में कचरा है, फिर हल्का सा पानी डाला, चाशनी को शांत किया और फिर ये झाग निकाल लिया आपने। अगर आए तो, नहीं आए तो बस ऐसे फास्ट गैस करके पकाएं। बढ़िया तरीके से चाशनी उबल रही है, तो आपने क्या करना है, अब ऐसे साइड साइड से झाग निकालते रहना है अगर आएंगे तो। दूध पड़ा है तो झाग आना ही है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपने भी रुकना नहीं है, और अब ना पानी डालना है ना गैस स्लो करना है, बस निकालते रहें क्योंकि कम आएंगे ना, इसके लिए ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में साफ कर लेना है आपने अगर आए तो। ये देखिए कैसी चमक मार रही है चाशनी, पास से देखिए तो ऐसी ही चमक मारने लगेगी आपकी चाशनी भी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गैस एकदम फास्ट करी है और मैं इसको देखिए ऐसे चला रहा हूँ साइड में। तो आपने इस तरीके से चलाना है साइड में, चाशनी लगे ना, जैसे आप चाशनी बनाते हैं और बहुत ज्यादा उबालते ना तो यहाँ पर साइडों में चाशनी जम जाती है, तो आपने जमने नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे चलाना है। अब चाशनी साफ हो गई है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे चलाएं जैसे मैं चला रहा हूँ। चलाना कब स्टार्ट आपने करना है, सारे झाग निकालने के बाद। तो अब काम ये है आपका ऐसे चलाना, ये देखिए बस ये करें, फिर जब नजदीक पहुंच जाएंगे तब आपको बताऊंगा और आपने क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं चाशनी अब गाढ़ी हो चुकी है, और आप जितना भी चलाएंगे ना यहाँ साइड में चिपकी जाएगी, तो आपने ये करना है ऐसे जोर से चलाना है ताकि ये चाशनी यहाँ पर आए और ये साफ हो जाए। देख रहे हैं आप,
तो ये आपने करना है, और जैसे जैसे चाशनी गाढ़ी होगी वैसे वैसे आपने जो काम करना है गैस स्लो कर देना है। अगर आप फास्ट गैस में ही ऐसे चलाते रहेंगे तो गैस का जो फ्लेम है वो ज्यादा फास्ट होगा तो यहाँ पर ज्यादा लग जाएगा। तो आपने गैस स्लो करते रहना है, और जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे चलाते रहना है। देखिए कितनी बढ़िया चाशनी होगी एकदम गाढ़ी। तो और ये अभी गाढ़ी होगी और इसमें अभी बहुत मेहनत बाकी है, तो सीखने के लिए वीडियो पूरा देखें, आधा देख के ना चले जाएं। देख रहे ना कैसे इसकी शक्ल चेंज हो गई, तो अभी और चेंज होगी। यहाँ आते आते आपके पसीने छूट जाएंगे, इसलिए सब ध्यान रखना आपने। ये देखिए चलाना यहाँ पर है, साइड में चलाना जरूरी है। ये देखिए देख रहे ना, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे चलाना है जैसे मैं चला रहा हूं। जब कुछ करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जब ये ऐसे गाढ़ी हो जाएगी तब आपने क्या करना है, गैस बंद कर देना है, और गैस बंद करके ऐसे चलाना है जैसे मैं चला रहा हूं। ये ही इसकी कारीगरी है, देख रहे ना आप। अभी गैस बंद है, इस चीज का ध्यान रखना है, गैस बंद करके ऐसे चलाना है आपने। देखिए देखते देखते तैयार हो जाएगी, लेकिन रुकना नहीं है, चलाते रहना है। बढ़िया स्पीड में चलाए, अगर आप रुक गए इस टाइम पे तो समझिए खेल खत्म। ये जो जादू हुआ है आपके सामने हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये जादू ही होता है एक किस्म का। अब मैं ऐसे ही चलाता रहूंगा जब तक ये ठंडा ना हो जाए। अब ये ठंडी हो चुकी है, और आपके मन में सवाल होगा कि शेफ इसमें इतने दाने हैं, तो जब भी कोई हलवाई बनाता है तो उसमें दाने ही होते हैं। दाने कैसे खत्म करना है आपको बताता हूँ। आपने इसको छानना है, छानने की तैयारी करते हैं, फिर छान के दिखाता हूँ। आपने कैसे परात रखनी है, और ये छलनी मोटी होना चाहिए, आटा छानने वाली नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिए यहां से ऐसे भरा आपने और डाला ये छलनी में। ये देखिए इस तरीके से डाला, उसके बाद ऐसे छान लिया आपने, देख रहे ना कलर, उफ मजा आ गया। ये देखिए छान के क्या करना है आपने, इसको अलग रखना है। इसको अलग रखने के बाद फिर इसको कूटेंगे, फिर से छानेंगे, तो इसको एक अलग बोल में रख लें। अब मैं इसको इसी तरीके से छान लूंगा, और आप भी ऐसे ही छान लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।